हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रियल मैथमेटिक्स क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 10th के मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन को तैयार किया गया है, जो द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम क्या है, वो द्विघात समीकरण। यानी यहाँ पर ध्यान से देखिए, रियल मैथमेटिक्स क्लास में क्लास 10th का मैथ जो एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज आज 4.2 है, जो 4.2 के फर्स्ट में क्वेश्चन करा है। ध्यान से यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में क्वेश्चन करा कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। यानी आपको मूल ज्ञात करना है, आपको एग्जाम में एक समीकरण दे देगा, इक्वेशन बोलेगा कि मूल ज्ञात कीजिए उसको। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बाबू, देखिए यहाँ पर जो एस स्क्वायर है उसको, एस स्क्वायर को हम क्या करेंगे, उसे तस्वीर लिख देंगे। अब यहाँ पे ऐसा हमको तैयार करना है कि घटाने पर हमें -3 तैयार हो जाए, मल्टीप्लाई करने पर 10 तैयार हो जाए। तो ऐसा हमको यहाँ पर सेट करना है कि ये दोनों बात हमको आ जाए। तो सबसे पहले ये दोनों बात निकालने के लिए हम लिखेंगे माइनस में 5x प्लस में 2x, क्योंकि 5x में से 2x घटाएंगे तो -3x तैयार हो जाएगा। अगर इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो -10 तैयार हो जाएगा। ये बराबर 0 है तो 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये तो मेरा इक्वेशन का मान क्या है, तैयार हो गया। अब देखिए इसके यहाँ पकड़ेंगे x इंटू एक्स, माइनस में 5 है तो 5, प्लस है तो प्लस, यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 लिख देंगे। यहाँ पर x माइनस 5, अब देखिए अगर x में x से गुणा करेंगे तो एस स्क्वायर में आ जाएगा, अगर x में 5 से करेंगे तो 5x हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पर 2 में x करते हैं तो 2x आ जाएगा, एक्स 2 में 5 से मल्टीप्लाई तो 10 आ जाएगा। यानी कोई भी इक्वेशन में अगर देखते हैं तब लिखेंगे, यदि देखिए आप x माइनस 5 x माइनस 5 दोनों बात क्या है वो सेम टू सेम है, तो यहाँ पर लिखेंगे x माइनस 5 बराबर क्या 0। जब इसको चेंज करेंगे तो x बराबर ये 0 इधर आएगा, ये माइनस है तो माइनस को इधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी x का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह से अब देखिए यहाँ पर x से प्लस क्या है, 2 है। जब इसको निकालेंगे तो देखिए x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 इधर आएगा, प्लस से तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस तैयार होता, तो उसी तरह से ये 2 हो जाएगा। यानी x का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। हमको क्वेश्चन क्या करा था, मूल ज्ञात करने के लिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, तब यहाँ पर अंत में लिखेंगे, अतः शून्य का मूल होता, शून्य हमें क्या प्राप्त हुआ, वो शून्य प्राप्त हुआ 5 × -2, ये मेरा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 2 नंबर क्या कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2s² प्लस में x माइनस 6 दिया है। उसी तरह से मूल ज्ञात करना, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि 2s² जो दिया है प्लस 5x, ऐसा हमको यहाँ पर टाइपिंग करना है कि घटाने पर हम क्या जाए, वो यहाँ पर 1 आ जाए, x के लगे 1 छुप रहता है। तो इसको तैयार करने के लिए लिखेंगे 2s² प्लस में 4x और माइनस में 3x, क्योंकि 4x में 3x घटाएंगे तो क्या 1 प्राप्त हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से -6 होते 6 लिख देंगे बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, कॉमन करेंगे 2x × x प्लस में 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 2, क्योंकि अगर हम साबित करेंगे कि इतना मेरा इक्वेशन तैयार हो जाना चाहिए, तो देखिए अगर 2x में, अगर 2x में x से गुणा करेंगे तो 2s² आ जाएगा मेरे पास, 2 में 2 से गुणा करेंगे तो 4x हो जाएगा, 3 में x से करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जोड़ा संख्या देखेंगे, जोड़ा संख्या सेम टू सेम है तो क्या करेंगे, लिखेंगे यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो लिखेंगे x बराबर 0 और प्लस है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी x बराबर क्या जाएगा, -2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर इस 2x माइनस 3 को निकालते हैं, 2x माइनस 3 को, तो यहाँ पर देखिए 2x 0 इधर लाएंगे, माइनस है तो यहाँ कहा जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो लिखेंगे 2x
ये थ्री, तो एक्स को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री बटा टू प्राप्त होगा। इसलिए मेरा मूल क्या हो जाएगा बाबू, इसलिए मूल मेरे मूल के क्या मान क्या हो जाएगा, यानी माइनस टू तीन बटा टू, ये मेरा आंसर हो जाएगा टू का। उसी से थ्री नंबर इक्वेशन को निकालेंगे, थ्री नंबर इक्वेशन करा टू एस स्क्वायर प्लस में दिया है सेवन एक्स प्लस में दिया है फाइव रूट टू बराबर जीरो। इसको मूल ज्ञात करने के लिए इसको भी उसी तरह से तैयार करना है कि हमें जोड़ने पर क्या आ जाए, सात आ जाए। तो क्या करेंगे, लिखेंगे टू एस स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस में क्या कर देंगे बाबू, टू एक्स कर देंगे, फाइव रूट टू बराबर जीरो। अगर फाइव और टू जोड़ते हैं तो सेवन मेरा आ जाएगा। जब इसको कॉमन करेंगे तो लिखेंगे एक्स इंटू रूट में टू एक्स प्लस में फाइव, प्लस में क्या करेंगे रूट टू रूट में टू एक्स प्लस फाइव। चलिए इसको साबित करके देखते हैं ये इक्वेशन तैयार हो रहा है कि नहीं। देखिए अगर एक्स में रूट टू एक्स से करेंगे टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अगर एक्स में फाइव से करेंगे फाइव एक्स मेरा तैयार हो जाएगा, अगर रूट टू में टू से गुणा करेंगे तो मेरा टू एक्स हो जाएगा, रूट टू में फाइव में करेंगे तो फाइव रूट टू आ जाएगा। ये भी देखिए यहाँ पर दो जोड़ा संख्या है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे रूट में टू एक्स प्लस फाइव, पहले इसको निकालेंगे, इसको निकालने के लिए लिखेंगे रूट में टू एक्स बराबर ये जीरो इधर आ जाएगा, माइनस प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस में। उसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे रूट में टू एक्स बराबर ये घटेगा तो क्या होगा माइनस पाँच आएगा, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस पाँच बटा रूट में टू हो जाएगा। उसी तरह से एक्स दिया है प्लस रूट टू, तो एक्स प्लस रूट में टू बराबर जीरो, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा जीरो प्लस है तो माइनस में रूट टू, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस रूट टू आ जाएगा। यही मेरा मूल निकलना था, इसलिए मूल क्या आ जाएगा बाबू, यानी माइनस फाइव बटा रूट में टू और क्या आएगा बाबू माइनस में रूट टू, ये मेरा थ्री का इक्वेशन के आंसर हो जाएगा, ये थ्री नंबर। चलिए फोर नंबर इक्वेशन करा, फोर नंबर इक्वेशन करा, यहाँ पर देखिए फोर नंबर में दिया है टू एस स्क्वायर माइनस एक्स इंटू फोर वन प्लस आठ बराबर जीरो। इसको मूल निकालने के लिए उसी तरह से टाइपिंग करेंगे, देखिए यहाँ पर वन मानेंगे इसमें भी वन मानेंगे, अब देखिए वन वन आठ के एलसीएम क्या आ जाएगा वो आठ आएगा, ये आठ दुना सोलह हो जाएगा। उसी तरह से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आठ एक्स हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये एट में एट से भाग देंगे तो वन मर्थ में ये जीरो। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे कि बाहर निकालेंगे सोलह एस स्क्वायर इंटू में आठ एक्स प्लस में वन बराबर जीरो। अब इस क्वेश्चन को ऐसा तैयार करना है, ऐसा तैयार करना है कि गुणा करने पर हमें क्या है सोलह आ जाए, जोड़ने पर आठ आ जाए। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, लिखेंगे सोलह एस स्क्वायर माइनस में चार एक्स माइनस में फोर एक्स ये वन इक्वल टू बराबर जीरो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो फोर फोर क्या आ जाएगा एट हो जाएगा मेरा। उसी तरह से कॉमन करेंगे तो फोर एक्स इंटू में फोर एक्स माइनस में वन प्लस में वन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस होगा, लिखेंगे फोर एक्स माइनस वन। अब देखिए अगर फोर में फोर से गुणा करें तो सोलह एक्स आ जाएगा, फोर एक्स में वन से तो फोर एक्स आ जाएगा, एक में फोर एक्स तो फोर माइनस वन में माइनस वन से करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी वन आ जाएगा। उसी तरह से कम निकालेंगे, इसको निकालेंगे तो फोर एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो फोर एक्स बराबर क्या आ जाएगा बाबू, यानी जीरो प्लस वन हो जाएगा, यानी हमें प्राप्त होगा क्या एक्स बराबर क्या आ जाएगा वन बटा फोर आएगा। उसी तरह से फोर एक्स प्लस वन, फोर एक्स माइनस वन को निकालेंगे, फोर एक्स माइनस वन को निकालेंगे तो क्या प्राप्त होगा, फोर एक्स माइनस वन को निकालेंगे
तो 4x बराबर 0 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी 4x बराबर 1 तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। इसलिए मेरा मूल क्या हो जाएगा, इसलिए मूल क्या हो जाएगा -4 × 4, ये 4 के इक्वेशन का आंसर हो जाएगा मेरा। उसी तरह से 5 को निकालेंगे। 5 को निकालने के लिए देखिए क्या किया, 5 नंबर इक्वेशन कर रहा कि 100x² माइनस में 20x प्लस में 1 = 0। इसको मूल ज्ञात करने के लिए सेम टू सेम उसी तरह से करेंगे। ये दिया है 100x², इसको ऐसा करना है कि जोड़ने पर क्या आ जाएगा, -20 आ जाएगा, तो -10x माइनस में 10x प्लस में 1, यहाँ पर कॉमन करेंगे 10x, क्या करेंगे 10x × 10x माइनस में 1, यहाँ पर -1 × 10x - 1। चलिए साबित करके दिखाते हैं, अगर 10 में 10 से करेंगे तो 100 आ जाएगा मेरा, 10 में 1 से तो 10x आ जाएगा, यहाँ पर 1 में 10x तो 10x, माइनस में 1 से माइनस 1 तो +1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जोड़ा संख्या है तो क्या निकालेंगे, निकालेंगे सबसे पहले जोड़ा को देखते हैं, जोड़ा जो संख्या है उस दोनों में से क्या एक को कोई निकालते हैं, तो चलिए 10x - 1 = 0, तो 10x बराबर क्या लिखेंगे 0, ये माइनस है तो प्लस, यानी 10x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। उसी तरह से x बराबर क्या आ जाएगा मैंने 1/10 प्राप्त हो जाएगा। उसी तरह से इसको निकालेंगे 10x - 1 = 0, तो 10x बराबर 0 प्लस 1 तो 10x बराबर 1, यानी हमें क्या प्राप्त होगा बाबू, x का मान 1/10 प्राप्त होगा। ये हम मेरा आंसर हो जाएगा मूल। थैंक दोस्त।